नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है और इस मौके पर चुनाव आयोग की ओर से मताधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में कार्यक्रम किए गए हैं। इसी कड़ी में शिमला में आपको बता दें कि गेयटी थिएटर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की है। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नए मतदाताओं और भारत के भविष्य निर्माण को तय करने वाले लोगों को जानने का दिन है। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। खासतौर पर 18 साल की आयु पूरी करने के बाद में पहली बार मतदाता बने युवाओं के लिए ये उत्सुकता का विषय है। आगे उन्होंने कहा कि हर्ष का विषय यह भी है कि चुनाव आयोग की ओर से शिमला में ये कार्यक्रम रखा गया। वहीं दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मताधिकार को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने को लेकर राज्यपाल ने यह भी कहा कि इससे नए मताधिकार में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसी नाते मनाया जाता है कि लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह मतदाता जो 18 वर्ष पूरे करने के बाद पहली बार मतदाता बने हैं, वो बड़ी उत्सुकता के साथ अपने कार्ड को लेते हैं और उनको इस बात का गर्व होता है कि मैं अब भारत का मतदाता बन गया हूं और मेरे मत से भारत के लिए या देश या प्रदेश के लिए एक अच्छी सरकार चुनी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कार्यक्रम यहां रखा है, भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में रखा है जहां महामहिम राष्ट्रपति जी भी उपस्थित रही हैं, तो आज का दिन भारत के भविष्य के निर्धारण करने वाले लोगों को जानने का पहचानने का दिन होता है। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। मंडी जिले के धर्मपुर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आयोजित 54वें पूर्ण राज्य दिवस समारोह के अवसर पर आपको बता दें कि प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्रदान करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इस दिशा में सार्थक प्रयास करने के लिए प्रदेश के प्रथम सीएम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बहुमूल्य योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी भी ली। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम यशवंत सिंह परमार का प्रदेश के लिए योगदान ऐतिहासिक है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनसेवा के लिए हम सत्ता में आए। साथ ही उन्होंने नगर पंचायत सधोल और धर्मपुर में डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने धर्मपुर की लंबे समय की मांग यहां पर डीएसपी ऑफिस दिया है। मैं 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिक्त से भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और अगले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। ओल्ड पेंशन बहाल करने की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की सौगात दी। जन जन तक पहुंचने के उद्देश्य से हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांव में जाकर जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते, ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से देशभर में चलाए जा रहे नमो
नव मतदाता अभियान के तहत गुरुवार को हिमाचल के नव मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े। हिमाचल में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से 70 स्थानों पर इस कार्यक्रम का प्रसारण कराया गया। राजधानी शिमला में भी अगंज बाजार में आपको बता दें कि पीएम मोदी का संबोधन सुना गया और इस दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली दफा वोट करने वाले युवाओं से दिल की बात कही। पीएम ने युवाओं से कहा कि वे अपना पहला वोट देश के विकास के लिए करें। आगे उन्होंने कहा कि आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है तो आपका वोट भारत की दिशा तय करेगा। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनीश चोपड़ा ने कहा कि नमो नव मतदाता सम्मेलन का देशभर में आयोजन किया गया। देशभर में 5000 जगह पर यह कार्यक्रम किए गए और हिमाचल प्रदेश में 70 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज देखिए जो ये नव मतदाता सम्मेलन है ये पूरे देश में 5000 जगहों पे हो रहा है और हिमाचल के भी 68 विधानसभा क्षेत्र है लेकिन 70 जगहों पे ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो है नव मतदाता सम्मेलन जो है वो 18 से 25 साल के जितने भी युवा युवती है उनको देश में जो मोदी जी ने युवाओं के लिए काम किए है, जैसे इतने सारे काम किए हैं, मुद्रा योजना है, आपका डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है और खेलो इंडिया है और भी कई सारी योजना है जो युवाओं के लिए की है, तो उसको युवाओं को जो हमने आज यहाँ पे एकत्रित किया था वो इसीलिए किया था ताकि वो मोदी जी की जितनी भी योजनाएं चली है उसके बारे में समझे। धर्मशाला में आयुष, युवा सेवाएं और खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने धीरा में आयोजित सरकार गांव के द्वार में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर 1100 करोड़ राजस्व में बढ़ोतरी का लक्ष्य भी रखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि यह कार्यक्रम सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर सरकार गांव में जाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गांव के द्वार सरकार महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं सीएम कर रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश हित में जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, हमारे साथ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार की योजनाओं को, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं आम लोगों तक जो दी जा रही हैं, उसका पूर्ण रूप से जो है गांव के मैं बैठा हूं जो आखिरी पंक्ति पर आखिरी कोने पे जो गांववासी है उस तक जो है सरकार की योजनाओं का जो है वो फायदा मिल सके। हमारे सारे अधिकारीगण आज इस मंच पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कुशल नेतृत्व में, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिशा निर्देश के अनुसार जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है कि प्रदेश में हर कोने पे जो है हर विधानसभा क्षेत्र में जो है हमारे सरकार। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों 25 दवा उद्योग में बने 40 दवाइयों के सैंपल जो हैं वो फेल हो गए हैं और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO के मानकों पर इन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। शिमला में स्वास्थ्य मंत्री घनीराम सांडिल ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि दवाइयों के सैंपल फेल होने से प्रदेश की छवि पर बुरा असर पड़ता है और इस तरह के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उद्योगों पर एक्शन लिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि इन सभी कंपनियों को नोटिस भेज दिए गए हैं। अलर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑन 23rd of January जिसमें कि कहा गया है कि बहुत से सैंपल्स जो दवाइयों के हैं वो हिमाचल से संबंधित हैं और वो मानकों के अनुसार ठीक नहीं पाए गए हैं एज पर द गिवन स्टैंडर्ड। 38 सैंपल्स डिक्लेयर्ड नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और वो कॉप बिलोंग करते हैं जो हमारी 25 फर्म लाइसेंस्ड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और दो सैंपल ऐसे डिक्लेयर जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी जो एक ऐसी फर्म है जो FSSAI। हिमाचल परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आपको बता दें कि बीते दिनों परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हिमाचल प्रदेश के
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की थी। अभियान के तहत शिमला में सड़क सुरक्षा जागरूकता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला वाहन चालकों ने जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया और अपने निजी अनुभव भी शेयर किए। वहीं परिवहन विभाग के निर्देशक अनुपम कश्यप ने बताया कि महिलाएं स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में हर्ष का विषय यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 1,10,000 से भी ज्यादा महिला चालक हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। हिमाचली महिलाएं स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा आंकड़ा है 1,10,000 से अधिक महिलाएं जो हैं हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां चलाती हैं, तो ये बहुत उत्साहवर्धक है। इसमें हमने हमेशा प्रयास किया है, बहुत तरह की कार्यशालाएं होती हैं और रोड सेफ्टी हमारा जो मेन इशू सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर जिस प्रकार की स्थिति रहती है तो दुर्घटनाओं को रोकने में हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं। लिफ्ट के पास आप लोग सभी ही जानते होंगे कि मॉल रोड की लिफ्ट कैसी है, जहाँ काम करना बहुत चुनौती भर के है, मतलब बहुत चुनौती है वहाँ काम करना, क्योंकि वहाँ जैसे हमने सवारी बनानी है और जैसे गाड़ी सड़क तक पहुँचानी है तो वो लोग जो है फटाफट अपनी गाड़ियों में भर के जो हमने सवारी बनाई होगी वो बिठा के ले जाते हैं। कई बार क्या हुआ कि मेरी सवारी बनाई हुई 40-40 लोगों का ग्रुप बनाया मैंने और उन ग्रुपों में से भी लोगों ने जो 6-7 लोग मेरी गाड़ी में बैठने थे वो लोग भी वो मतलब ले गए और वो कहते हैं कि हमारी यूनियन बनी है वहाँ, वो यूनियन की धमकी देते हैं वहाँ काम करने के लिए कि तुम लोग लेडीज हैं तुम यहाँ काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम यूनियन से बाहर हो। मेरी बात फिलहाल इस बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।